ये पैगंबर इस बात पर मारते हैं, आप फरमाते हैं मौतुल आलिम, मौतुल आलम, आलिम की मौत से दुनिया की मौत हो जाती है। आपके पैगंबर फरमाते हैं जब एक आलिम नदी रास्ते से गुजरता है तो समंदर की मछलियां मकबरत की दुआ करती है। मैं इंसाफ से आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जिसके अक्सर बयानी सहाबा करते हो, जिनकी इज्जत की बात ताबीन करते हो, जिनकी इज्जत की बात बड़े बड़े सूफिया करते हो, जिनकी इज्जत की बात पैगंबर इस्लाम करते हो, जो रास्ते से गुजरे तो समंदर की मछलियां उनके लिए दुआ मकबरत करें, जो रास्ते से गुजरे तो छोटियां के लिए मकबरत की दुआ करें। क्या उनका यह हक नहीं कि उनके पास भी अपना मकान हो? क्या उनका यह हक नहीं कि उनके पास भी अपनी गाड़ी हो? क्या उनका यह हक नहीं कि उनके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल हो? क्या उनका यह हक नहीं कि उनकी उनकी शांति हमसे ज्यादा हो? क्या उनका यह हक नहीं कि उनके पास भी जमीन जायदाद हो? क्या उनका यह हक नहीं कि उनके बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल में स्कूल में पढ़े? बिल्कुल यह हक है, लेकिन हम और आप हम बोलते हैं कि मोदी क्यों खारिज करेगा लंबी लंबी, मोदियों की खारिज क्यों उतनी बड़ी है? ये बात सच है कि हमारी तमन्नाओं की तरह मोदियों की तमन्ना बराबर नहीं है, हमारी ख्वाहिशात की तरह इन मोदियों की ख्वाहिशात नहीं है। हजार ख्वाहिशात को पाँव के नीचे रौंदने के बाद तब कोई मोदी तैयार होता है, हजार तमन्नाओं के जंगलात को उजाड़ने के बाद तब एक आलिम दीन पैदा होता है। ये सच है कि हमारी ख्वाहिशात की तरह, हमारी तमन्नाओं की तरह किसी मोदी की तमन्ना नहीं होती, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि जिस तरह हमारी जरूरत है उसी तरह इनकी भी जरूरत है। जो हमारी आवश्यकता है वो इनकी भी आवश्यकता है। अगर हमको भूख लगती है तो मोदी को भी भूख लगती है, अगर हम बाजार जाते हैं तो मोदी भी बाजार जाते हैं। जिस तरह हमको अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, उसी तरह मोदियों को भी मोदियों के बच्चों के खाने पीने का इंतजाम आसान से नहीं होता, मदद सरकार से नहीं होता, बल्कि इनके लिए ये भी बाजार जाते हैं, ये भी सब्जी खरीदते हैं, ये भी दाल खरीदते हैं, ये भी चावल खरीदते हैं, यानी इनकी भी जरूरत है उतनी है जितनी हमारी जरूरत है। तो आप बताए आपकी जरूरत, हमारी जरूरत 50,000 रुपया में पूरी नहीं होती है, 5,000 रुपया में एक पर भी हमारी जरूरत की तरह अपनी जरूरत कैसे पूरी करेगा? अगर हम उनकी जिंदगी को तंग कर देंगे एक पर भी सब्जी का काम छोड़कर, शायद हो सकता है जो घर काम करने लगे। आदमी ने मोदियों की जिंदगी को जीना बोझा कर दिया है। एक आदमी जोर से बोलता है दीन का काम कैसे होगा, ये मोदी 50,000 लेता है, दीन का काम कैसे होगा? अल्लाह आपकी एक बार 15-20,000 रुपए लेते हैं, दीन का काम कैसे होगा? मैं कहता हूँ नादान है इंसान, क्या मोदी को नजरना देना दीन का काम नहीं आएगा? क्या मोदी को अपने दरवाजे से खुश करके भेज देना दीन का काम नहीं आएगा? क्या इससे भी कोई बड़ा दीन का काम होगा? क्या एक मोदी आपके दरवाजे से हंस के चला जाए, एक मोदी आपके दरवाजे से खुशी कर चला जाए, एक मोदी नाक पड़ता है अल्लाह की नबी की तारीफ बयान करता है, आप जब खड़ा देते हो सोचते हो कि सारी दुनिया की दौलत ने लुटा दी, जबकि पैगंबर इस्लाम ने खुद अपनी नाक खोई करने वाले को आपने कंबल लगाया है, नाक खोई करने वाले को कंबल खोई किए है, नबी के दर्शन आकाम की आकाम है। एक नारे रिफायत मसलक आला हजरत उनसे मुबारक हजरत अल्लामा मशहूर वाले साहब। चादर शरीफ दे रहे हैं, चादर शरीफ के मुकाबले में अगर हम नाखाले मुस्तफा के कदम में दुनिया की सारी जरूरतों को रखे तो पैगंबर की चादर के मुकाबले में हमारी जरूरत कोई काम की नहीं है। ये है नाखाले मुस्तफा की अजमत, ये है नाखाले मुस्तफा की इज्जत। हजरात मैं कहना चाहता हूँ एक आपकी की कोशिश है कि मोदी कभी तरक्की ना पकड़ पाए, मोदी की सुबह खत्म हो जाए। किसकी तरक्की की बात कर रहे हैं, किस पर तबाह करना चाह रहे हैं, किस पर तबाह करना चाह रहे हैं, किसकी तबाही चाहते हैं, किस पर प्रॉब्लम में देखना चाहते हैं? जरा और से सुनिएगा, मोदी वाज नेवर इन ट्रबल, मोदी इज नॉट इन ट्रबल एंड मोदी विल नॉट बी इन एनी टाइप ऑफ ट्रबल। मोदी ना कभी सिख तौर परेशानी में था, ना आज इस जमाने में परेशानी में है, ना आने वाले किसी जमाने में परेशानी में होगा। अरे वो मोदी कैसे परेशान होगा जो जब तक पढ़ाई करता है, मदरसे में पढ़ता है, उनके ताल्लुक से पैगंबर का एक फरमान काफी है। पैगंबर फरमाते हैं मन सड़क का तरीकन यंत्र सफी है इल्मा, जो इखलास से इल्म के लिए घर से निकलता है सहलल्लाहु लहु तरीकन इला जन्नत, अल्लाह ऐसे व्यक्ति के लिए जन्नत की राह हमवार फरमाता है। और जब वो मोदी पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है, कोई खानकाह जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई दरगाह जाता है, कोई मेंबर का खतीब बनता है, जब ये शाम उसकी हो जाती है तो पैगंबर इस्लाम की एक दुआ इनके साथ है, ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समय अमिन्ना हबीब फसल्लल्लाहु कमा समय। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उस व्यक्ति पर आला पाला करे इस जो मुझसे हबीब सुनता है, दूसरों को सुनाता है। तकबीर, नारे रिसालत।
مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، عرس فریدی زندہ باد، عرس فریدی زندہ باد، سرزمین للیہ شریف زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد،